मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बज रहा है 5:30 और मैं पहले किचन का काम कर ली, सब्जी काट ली, यहाँ पे सब्जी काट ली हूँ और अभी गैस चूल्हा साफ नहीं हुआ है, थोड़ा सा बर्तन तो धो ली, पूजा का बर्तन धोना है और बालकनी में चल रहे हैं। देखिए पूरा अंधेरा है, बैक कैमरा गेट नहीं खुली, पहले किचन का काम कर ली क्योंकि इधर से ठंडा ठंडा हवा आता है, बारिश का भी आवाज आ रहा है, बारिश भी हो रहा है, बारिश हो रहा है, सही जोर से बारिश हो रहा है, इतना ठंडा में भी बारिश हो रहा है, मेरा एक भी कपड़ा सूखा नहीं है, सब भींगा हुआ है। अच्छा खासा बारिश हो रहा है, ठंड बढ़ गई है। तो ये देखिए मेरे गुलाब फूल, येलो पीला कलर का गुलाब फूल है और वो रेड कलर का है। ये है मेरा पिटूनिया, देखिए ये इस कलर का हुआ है, ये ऐसा कलर का हुआ है, खूब सुंदर लगता है। एक यहाँ पे है, ये दोनों सेम ही कलर है और है एक ये पर्पल कलर का हुआ है, वो पर्पल कलर का है, सोचते हैं बाबा बहुत ठंडा लग रहा है। और ये बर्तन सब ना मैं नींबू पानी में, इमली पानी में डुबा के रखती हूँ, देखिए सब साफ है, सिर्फ हल्का सा धो देना होता है, जरा सा भी इसमें मेहनत नहीं लगता, तो साफ हो जाता है, इतना साफ है। पूजा का बर्तन धोने के बाद मैं अपने लिए गर्म पानी कर ली हूँ, सुबह में सबसे पहले मैं गर्म पानी ले लेती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता बना लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाश्ता पानी सब बन गया है और अभी टाइम हो रहा है 9 बजने वाला है, मतलब 9:15 हो रहा है, तो मैं अभी से अपना एक्सरसाइज शुरू कर देती हूँ और मैं एक्सरसाइज कंप्लीट करके थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज लास्ट वाला मैं एक्सरसाइज दिखाऊंगी। मैं रोज रोज एक एक्सरसाइज क्या दिखाऊँ, डेली तो मैं एक्सरसाइज दिखाती हूँ, तो मेरा 40 से 45 मिनट मेरा एक्सरसाइज चलता है, तो मैं पहले एक्सरसाइज कर लेती हूँ और फिर मैं दिखा रही हूँ। और आज बहुत ज़्यादा ही ठंडा है तो सब बंद है, सब खिड़की दरवाज़ा सब बंद करके रखी हूँ, लग रहा है कि अभी भी 6 ही बज रहा है, देखिए सब बंद है। तो पहले मैं एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेती हूँ अपना और टीवी में मैं म्यूजिक लगा दे रही हूँ, म्यूजिक लगाने के बाद मुझे अच्छा लगता है एक्सरसाइज करना, तो एक्सरसाइज करने के बाद मैं मिल रही हूँ। मैं वार्म अप कर ली थी फ्रेंड्स, उसके बाद मैं फास्ट एक्सरसाइज कर रही हूँ और रोज दिन नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता है एक ही चीज़ को बार बार दिखाना, तो मेरी तो आदत बन गई, एक दिन भी मैं एक्सरसाइज के बिना नहीं रह पाती हूँ, तबीयत खराब रहता तो भी मैं एक्सरसाइज कर ही लेती हूँ, अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, जब मैं एक्सरसाइज शुरू की थी तो ठंडा लग रहा था, अभी बहुत गर्मी लगने लगा, सब खिड़की खोल दी है, पंखा नहीं चला, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, हाथ भी मेरा ऊपर आ गया, देखिए इतना ज़्यादा गर्मी लगने लगा, तो इसे अभी और भी कंटिन्यू करते हैं और भी मुझे बहुत सारे एक्सरसाइज करना है, तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज करते करते बज गया है 10, अभी भी 10 मिनट टाइम है, पक्का 1 घंटा मेरा लग ही जाता है, घड़ी कैसे दिखाऊं आपको, देख सकते हैं तो देख लीजिए, 9:45 हो रहा है, 5 मिनट रेस्ट किए, जा रहे नहाने के लिए, बहुत गर्मी लग रहा था, सब खिड़की खोल दिए, पीछे का सब खिड़की खोल दिए, इतना ज़्यादा गर्मी लगने लगा था, तो जा रहे नहाने के लिए, आज दिन है बृहस्पतिवार, तो आज लक्ष्मी पूजा करना है, तो पूजा पाठ करने के बाद मिलते हैं आपसे, और प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा देख लिया कीजिए, वीडियो को देख थोड़ा सा देखिएगा तो हम ही लोग का सपोर्ट होगा, मेरा सपोर्ट होगा, बहुत मेहनत करते हैं एक ब्लॉग के लिए, सभी कोई मेहनत करता है, वीडियो को पूरी देख लीजिए,
तो मिलती हूँ नहाने के बाद। देखिए मेरा खिड़की सब खुल चुका है, गर्मी के कारण अब बारिश अभी रुका नहीं है, आज सारा दिन बारिश होने वाला है। तो आ रही हूँ नहाने के बाद। फ्रेंड्स मेरा नहाने के बाद पूजा हो गया और ये देखिए मेरा मंदिर कितना अच्छा से सज गया है। नीलकंठ फूलों से शंकर भगवान जी को सजा दी हूँ और गेंदा फूल से मंदिर को सजा दी हूँ। तो बताइएगा कैसा लगा मेरा मंदिर देखने में। फ्रेंड्स ये है मेरा नाश्ता और मैं सब्जी बहुत सारा ले ली हूँ। इधर नहीं हुआ तो इधर भी डाल दी हूँ सब्जी, आलू पटल और बैंगन की सब्जी है, इसलिए थोड़ा सा काला कलर लग रहा है। कोई बात नहीं है, सब्जी खाना चाहिए बेसी, तो मैं सब्जी खा रही हूँ और एक रोटी ली हूँ नाश्ता। तो चल रही हूँ नाश्ता करने के लिए। आवाज़ आ रही है बारिश की, बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है। और फ्रेंड्स नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ दोपहर का खाने में। तो आज दोपहर का खाने में मैं बना रही हूँ मच्छी झोल भात बना रही हूँ। आज बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है, फिर भी जब बेटा फूल लाने गया था तो उसी समय मैं मच्छी मंगा ली हूँ। मच्छी झोल भात ही कर रही हूँ, उसमें आलू भी मिक्स करती हूँ। आज बेटा को भी मैं खिला दूँगी मच्छी, तो मच्छी खाता नहीं है फिर भी पापा के डर से अपना खा लेता है। और साइड में मैं कुकर में बैठा दी हूँ आलू, क्योंकि रात में मैं आलू पराठा करने वाली हूँ। हस्बैंड जी का इच्छा हुआ, आज उनकी इच्छा है आलू पराठा खाने की, तो उसकी तैयारी मैं दोपहर में ही कर लेती हूँ, रात में सिर्फ बना रहा है नाश्ता के लिए। उसके बाद ये मैं अभी चूरा भाज रही हूँ, पहले चूरा भाजूंगी, पहले बादाम भाज ले रही हूँ, उसके बाद लाल मिर्ची क्या बोल दे रही हूँ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मैं प्याज और लाल मिर्ची देके और बादाम देके चूरा को भाज ली हूँ। तो ये है हमारा इवनिंग का नाश्ता, तीनों जन का हम लोगों का। फ्रेंड्स आज मैं बना रही हूँ आलू पराठा और ये बना रहे हैं चाट मसाला। आज बारिश हो रही है तो ये गए नहीं, तो ये घर में रहते हैं तो आ जाते हैं किचन में कुछ ना कुछ करने के लिए। तो ये अपने लिए नहीं सभी के लिए चाट मसाला रेडी कर रहे हैं। और मैं पिछला साल बनाई थी तो वो मेरा अभी तक चला था, तो अब ये बना रहे, उसमें मैं गर्म मसाला देके नहीं बनाई थी, तो अब ये गर्म मसाला देके बना रहे हैं चाट मसाला। और मेरा आलू पराठा इधर बन ही रहा है, तो आलू पराठा मेरा बनने ही वाला है, ज़्यादा बनाना नहीं है। तो और इनका भी चल ही रहा चाट मसाला। चाट मसाला में ये पहले लाल मिर्ची को भाज ले रहे हैं, उसके बाद गर्म मसाला को भाजेंगे। ये गर्म मसाला थोड़ा सा दिए हैं, ये है काला नमक, उसके बाद थोड़ा सा जीरा निकाल लिए हैं। सभी मेरे से पूछ कर ही कर रहे थे कि कितना कितना देना है। और सभी को अच्छा से भूनने के बाद मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद सभी को मिक्स करेंगे, तब तक मेरा आलू पराठा भी रेडी हो गया था। तो हमारा रात का खाना यही है और साथ में टमाटर का चटनी है। और इनका चाट मसाला भी बन गया है, देख ही सकते हैं आप लोग, इसमें बस आमचूर मिलाना बाकी है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का मेरा ब्लॉग शेष हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय।